दोस्तों, हमारी धरती अपने अंदर हजारों रहस्यों को दबाए बैठी है। उनमें से कई रहस्यों को हमने समझ लिया है, लेकिन कई राज आज भी दफन है। आज से करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर डायनासोरों का राज हुआ करता था। वैज्ञानिकों ने अब तक मिले कंकालों की मदद से डायनासोर की करीब 1000 नस्लों का पता लगाया है। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। ज्यादातर डायनासोर विशाल आकार के हुआ करते थे, मगर कुछ इंसानों से भी छोटे थे। डायनासोर 4 पैरों वाले भी होते थे और 2 पैरों वाले भी। कुछ प्रजातियां उड़ भी सकती थी। ये डायनासोर पूरी दुनिया में पाए जाते थे। डायनासोर की कुछ नस्लों के कंकाल भारत में भी मिले, जो ज्वालामुखी के लावे की वजह से खत्म हो गए थे। ये बात तो आप सबको पता है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी के साथ घटी एक खगोलीय घटना में पृथ्वी पर मौजूद सारे डायनासोर मारे गए थे। लेकिन दोस्तों, क्या डायनासोर से पहले भी इस धरती पर कोई जीव हुआ करता था? आखिर डायनासोर से पहले इस धरती पर कौन सा जीव था? तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं डायनासोर से पहले धरती पर रहने वाले जीवों के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। सिटी को सोरस इस प्रजाति ने पृथ्वी पर 123 से 100 मिलियन साल पहले तक राज किया। अमेरिकी और चीनी वैज्ञानिकों ने बहुत ही गहराई से शोध करके सिटिकोसोरस जीवों के बारे में डाटा कलेक्ट किया है। ये प्रजाति डायनासोर से भी काफी ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी, जो डायनासोरों को भी बड़ी आसानी से खा जाती थी। जब वैज्ञानिकों को इस जीव के अवशेष मिले और वैज्ञानिकों ने उन अवशेष पर रिसर्च किया, तो उन्हें चौंका देने वाली बात पता चली। वैज्ञानिकों को पता चला कि इस जीव के पेट के अंदर बच्चे के अवशेष हो सकते हैं। मगर बाद में हुई गहनता से स्टडी में वैज्ञानिकों को जो जानकारी हाथ लगी, उसे जानकर वैज्ञानिक दंग रह गए। सिटिकोसोरस के पेट में डायनासोर के अंग है, एडाफोसोरस। ये जीव उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ इलाकों में निवास करता था। इस जीव के होने की पुष्टि 19वीं सदी में उत्तरी अमेरिका के इलाकों में मिले अवशेष से हुई है। जब वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया, तब बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। वैज्ञानिकों को पता चला कि एडाफोसोरस के ये अवशेष 300 करोड़ साल पुराने थे। एडाफोसोरस दिखने में चिपकली की तरह दिखते थे, मगर ये आकार में बहुत ही बड़े और विशाल काय हुआ करते थे, और इनकी पूंछ डायनासोर जैसी दिखती थी। एडाफोसोरस की लंबाई 3 से 11 फीट तक होती थी और वजन ये 300 किलो तक भारी हुआ करते थे। इस जीव का सिर छोटा और शरीर का आकार बहुत ही बड़ा विशाल काय था। ये जानवर सिर्फ कुछ ही मिनटों में किसी को भी मौत की नींद सुला सकते थे। लेकिन जब ये जीव धरती पर हुआ करते थे, उस टाइम हम इंसान इस धरती पर नहीं थे। इसके करोड़ों साल बाद इंसानों की उत्पत्ति हुई है। मेगा न्यूरोसिस इस जीव को वैज्ञानिक डायनासोर के काल से पहले का मानते हैं। मेगा न्यूरोसिस विशाल काय कीड़े जो कभी धरती पर जीवित रहने वाला सबसे बड़ा कीट था। ये जीव आज के ड्रैगन फ्लाई कीट की तरह दिखता था, लेकिन कई बार 2 से 2.5 फीट तक बड़े पंखों से बड़ा होता था, जो बाज के आकार जैसा था और सबसे प्रभावशाली जीवों में से एक माना जाता था। इसकी लंबाई आज के ड्रैगन फ्लाई की लंबाई से कई गुना ज्यादा थी, और यह जीव ड्रैगन फ्लाई से काफी ज्यादा खतरनाक भी था। ऐसा माना जाता है कि इसकी लंबाई 2.5 फीट के आसपास होती थी। इसका मुख्य आहार अन्य उड़ने वाले कीड़े थे। मेगा न्यूरोसिस में शिकार के और जीवों को खाने की क्षमता थी। बरोंटो स्कॉर्पियो दोस्तों, ये जीवाश्म बिच्छू की एक प्रजाति है, जिसे दुनिया की पहली बिच्छू की प्रजाति भी कहा जा सकता है। ये बात आप सब लोगों को पता है कि एक साधारण बिच्छू की लंबाई 5 इंच के अप्रोक्स होती है, मगर बरोंटो स्कॉर्पियो की लंबाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इसकी लंबाई 3 फीट और 1 मीटर तक होती थी। बरोंटो स्कॉर्पियो किसी भी जीव को अपने नुकीले हाथों से पकड़कर बड़ी ही आसानी से मार देता था। गोर्गोनोप्सिड ये जीव आज से लगभग 260 से 254 मिलियन साल पहले इस धरती पर रहा करते थे। गोर्गोनोप्सिड वजन में काफी भारी हुआ करते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि गोर्गोनोप्सिड गर्म खून वाला जानवर था। इस विशाल काय जीव की चमड़ी पर अदर रेप्टाइल जीव के विपरीत बाल हुआ करते थे। गोर्गोनोप्सिड के जो अवशेष हमारे हाथ लगे हैं, उन्हें देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं
कि एक बहुत ही खतरनाक जानवर था। इस जानवर के दांत बड़े ही नुकीले और धारदार थे, जिसकी मदद से ये जीव किसी भी प्राणी का शिकार को बड़ा ही आसानी से कर लेता था। स्कूटोसोरस। दोस्तों, स्कूटोसोरस जीव आज से 265 मिलियन साल पहले आज के रूस के इलाकों में रहता था और 254 मिलियन साल पहले तक इस प्रजाति के जीवों ने राज किया। स्कूटोसोरस को उस समय का सबसे बड़ा जानवर माना जाता था। इसे रेप्टाइल जीव की श्रेणी में गिना जाता है। स्कूटोसोरस की सुरक्षा के लिए इसका शरीर एक बड़े कवच से ढका रहता है, जिस कारण किसी भी बड़े जानवर के हमले को बड़ा ही आसानी से सहन कर सकता था और अपनी जान बचा सकता था। इस जीव की लंबाई लगभग 9 फीट के आसपास हुआ करती थी और वजन में यह जीव करीब 1000 किलो भारी हुआ करता था। यह जीव रेप्टाइल होने के बावजूद भी इसके पैर साइड में होने की बजाय बिल्कुल सीधे थे। इस विशेषता की वजह से यह जानवर बहुत ही तेजी से दौड़ लगा सकता था और अपने आप को किसी दुविधा से बचा सकता था। तो दोस्तों, आपको कौन सा जानवर सबसे खतरनाक लगा? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।